हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज साक्षी चौरसिया तो आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे दैट मींस कि एग्जैक्टली exactly फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं कौन सी चीज फॉरेक्स ट्रेडिंग करते टाइम आपको ध्यान में रखना चाहिए एवरीथिंग हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपने गाइस आज के टाइम पे काफी सारे लोगों को देखा होगा कि वो करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं राइट तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपको डिटेल से समझाऊंगी ताकि आप भी सिंपल वे में फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझ सकें और उसमें ट्रेडिंग कर सकें तो चलिए गाइज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आप ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज़ इंजॉय कर सकें ओके तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो guys, सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है तो गाइस फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम दो को आपस में ट्रेड करते हैं वेल well, हम फॉरेक्स मार्केट को समझते हैं guys, market, का है, जिसका अगर आप डेली टर्नओवर देखेंगे तो वो फाइव ट्रिलियन से भी ज्यादा है गाइस जबकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में एक दिन का टर्नओवर ही ट्वेंटी बिलियन होता है तो आप देख सकते हैं कितनी हेवी क्वांटिटी में कितनी हेवी वॉल्यूम के साथ फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करता है वेल well गाइस अगर आप फॉरेक्स का फुल फॉर्म देखेंगे तो फॉरेक्स का फुल फॉर्म ही होता है फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज दैट मीन्स फॉरेक्स मार्केट में हम जनरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसीज को आपस में ट्रेड करते हैं वेल well, गेज जो करेंसीज होती है वो कई रीजन्स के कारण ट्रेड हो सकती है दैट इज फर्स्ट फॉर द कमर्शियल पर्पज कॉमर्शियल पर्पज से मीन्स जब आपको एक कंट्री से रहकर दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट बाय करना दैट मीन्स आपको इंडिया में रहकर यूएसए का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो गैस आप उनको पेमेंट इंडियन रुपीज में नहीं कर सकते आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डॉलर्स में ही उनको पेमेंट करें तो इसीलिए फॉरिन आई मीन जैसे करेंसी एक्सचेंज होती है सेकेंड रीजन होता है टूरिज्म दैट जब आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे होते हैं टूर के लिए जा रहे होते हैं तो आप गई अपने इंडियन रुपीस में वहाँ पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां ये करेंसी नहीं चलती है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कराना होगा उसको एक्सचेंज करना होगा उनकी करेंसी के साथ दैट मीन्स अगर आप यूएस घूमने जा रहे हैं तो आपको इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा और उसके बाद आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं और द थर्ड रीजन जो कि आज के टाइम में काफी सारे लोग कर रहे हैं दैट इज फॉर द ट्रेडिंग पर्पस ट्रेडिंग पर्पस मींस गाइस ट्रेडर्स जनरली ट्रेड करते हैं एक करेंसी को पहले बाय कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद उसे सेल कर देते हैं तो ये तीनों रीजन हो गए ओके अब गाइस जो करेंसी है उसमें आपको किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है आप ये सोच रहे हैं तो सो फॉर एग्जाम्पल गाइज आपके पास अभी हंड्रेड डॉलर है अब ये किसी भी रीजन से हो सकते हैं दैट मीन्स आप टूर पे गए हो तो आपके पास हंड्रेड डॉलर बच गए आपने कुछ कॉमर्शियल पर्पज के लिए कुछ करा था इसलिए आपके पास हंड्रेड डॉलर बच गए ओके okay? तो अब गाइस आपके पास हंड्रेड डॉलर है इस हंड्रेड डॉलर की इंडियन वैल्यू कितनी है गाइस सेवेंटी वन दैट मींस की वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी वन रुपीज अभी चल रहा है तो आपके पास करंटली सेवन थाउजेंड अगर हम डॉलर को इंडियन रुपीज में देखें तो चार 70, I mean say, अब सोचिए कि से महीने आपको एक डॉलर के लिए सेवनटी सिक्स रुपीज मिलेंगे तो गाइस इस कंडीशन में जो आपके पास सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड थे अब वो बढ़ के हो चुके सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट तो गाइस इसमें जो आपको uh, फाइव हंड्रेड का प्रॉफिट हुआ है वो टोटली totally आपका है दैट मीन्स आपके पास पहले सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड थे अब सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है जो बचा फाइव हंड्रेड वो आपका प्रॉफिट हुआ राइट तो गैस इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है आप एक करेंसी को पहले बाय करते हैं बाद में आप उसे जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है इस सोच के साथ कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी आप उसे सेल कर देते हैं वेल well, गैस जिस तरीके से आप इंडियन मार्केट में बाय भी करते हैं सेल भी करते हैं दैट मीन्स लॉन्ग भी करते हैं शॉर्ट सेल भी करते हैं उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड जो है वो आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं मतलब इजीली शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है ओके काफी सारे लोग सोच कि मैम सब तो ठीक है लेकिन करेंसी की जो वैल्यू वो इतनी अप और डाउन क्यों होती है क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइस तो सेम ही होता है कंट्री का तो guys, ये करेंसी जो एक्सचेंज होता है उनका डिफरेंट वैल्यूज होती है और वो काफ़ी सारे रीजंस के कारण चेंज होती हैं दैट मींस जो कंट्री की इकोनॉमी होती है उसके बेसिस में कंट्री की जीडीपी क्या है कंट्री में इन्फ्लेशन तो नहीं चल रहा है इन सभी रीजन से गाइज जो हम कंट्री uh, की करेंसी होती है वो इफेक्ट करती है राइट right? अगर कंपनी की आई मीन जैसे कंट्री की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी तो आपकी जो वैल्यू है आपकी करेंसी की वैल्यू वो इंक्रीज होगी और अगर जो आपके कंट्री में कोई भी वॉर चल रही है कोई भी डिफ्लेशन uh, चल रहा है इन्फ्लेशन बहुत बढ़िया तो उस कंडीशन में जो आपकी करेंसी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है अब गाइज जो करेंसी का जो डिफरेंस होता है वो किस तरीके से होता है दैट मीन्स कि क्यों वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स इंडियन रुपीज है क्यों इसकी वैल्यू इतनी कम है और डॉलर की वैल्यू इतनी हाई है तो गाइज उसका रीजन है PPP, that means power purchasing parity, right? That means guys, आप सोचिए कि जो इंडियन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा लो है जबकि जो यूएसए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी हाई है राइट दैट मींस अगर सोचिए अगर आपके पास एक लाख रुपए हैं तो आप एक लाख रुपए में इंडिया में रहकर बहुत ही लेविश लाइफ एंजॉय कर सकते हैं गए लेकिन वहीं यूएसए में इस वन लाख रुपीज से आप एक मिनिमलिस्टिक लाइफ ही इंजॉय कर सकते हैं दैट मीन्स इंडियन में आप जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो वो थोड़ा लो है और यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी हाई है जैसे एक और एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि ईजी हो सके जैसे देखिए अगर आप इंडिया में है और अगर आपके हाथ में फाइव थाउजेंड रुपीज़ है गाइज तो आप इस फाइव थाउजेंड रुपीज़ में बहुत ही सिंपली कॉफ़ी ले सकते हैं लंच कर सकते हैं राइट लेकिन गाइज अगर आप यूएसए में यही फाइव थाउजेंड रुपीज़ के साथ हैं गाइज तो आप वहां पर अच्छी कॉफ़ी और वो इन्जॉय नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर जो पावर ऑफ परचेसिंग है वो काफ़ी हाई है क्योंकि वहां पर जो चीज़ों की वैल्यू है वो काफ़ी हाई है इसीलिए गाइस अलग अलग कंट्री में डिसाइड होता है कि किस करेंसी की वैल्यू कितनी है और किस करेंसी की वैल्यू कम है ओके okay? तो इसी तरीके से ये जो पावर परचेसिंग पायरिटी होती है वो वर्क करती है अब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली है गाइस अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली फॉरेक्स मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं तो गाइज जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि आप उसमें लॉर्ड साइज के बेसिस में ट्रेड करते हैं लॉर्ड साइज अब आप सोच चाहेंगे तो उसमें क्या है हम हमारी कंट्री में भी तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब करते हैं तो लॉर्ड साइज के बेसिस में ट्रेड करते हैं वेल well, गाइज ये सही है लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आप जो है लॉट में हमेशा ट्रेड करते दैट आप कैश में कर रहे हैं आप फ्यूचर में कर रहे हैं आप ऑप्शन में कर रहे हैं आप लॉट सिस्टम के बेसिस में ही ट्रेड करेंगे राइट right? जबकि हम हमारे मार्केट में ऑप्शन और फ्यूचर्स में ही लॉट के बेसिस में ट्रेड करते हैं अब गैस हम समझते हैं कि एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटीज होती हैं तो गैस फॉरेक्स मार्केट में एक लॉट के अंदर वन लैख क्वान्टिटीज होती है ये गाइस वन लैख क्वान्टिटीज एक लॉट के अंदर होती हैं अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि वन लेख क्वांटिटी काफ़ी हैवी होती है और हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता राइट इसलिए गाइस इसमें बहुत ही अलग अलग लॉट सिस्टम सेट कर दिए दैट मींस कि आपके लिए स्टैंडर्ड लॉट होगा जिसमें वन लेख क्वांटिटीज आती हैं माइक्रो लॉट हो जाता है नैनो लॉट हो जाता है माइक्रो लॉट हो जाता है देखिए यहाँ पर आपको चार्ट देख रहा है ये लॉट सिस्टम होते हैं और आपको इसके बेसिस में ही लॉट आई मीन टू से इसके बेसिस में ही ट्रेड लेना होता है तो जब आप बिगनर्स हैं जब आप स्टार्ट करें तो हमेशा नैनो लॉट के बेसिस uh, में ट्रेड लीजिए ताकि आप कम क्वान्टिटी में

लेकिन गैस जब आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप जो हैं पिप से डिनोट करते हैं दैट मीन्स कि जो करेंसी है वो टेन पिप्स अप गई वो टेन पिप से डाउन गई वो पिप से डिनोट होता है क्योंकि तो गाइस हम कंट्री में रहते हैं तो कंट्री के रुपीस की तरह करते हैं राइट लेकिन जब आप करेंसीज कर रहे हैं तो आप किस करेंसी के बेसिस में करेंगे राइट आप डॉलर के बेसिस में बोल रहे हैं आप इंडियन रुपीस के बेसिस में बोल रहे हैं इसलिए उसमें पिप सिस्टम चलता है कि ट्वेंटी पिप्स गए थर्टी पिप्स गए ओके अब हम समझते हैं कि किस कि तरीके से आप इसमें करेंसीज में ट्रेड ले सकते हैं तो वेल गाइस फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए दो करेंसीज इंपॉर्टेंट होते हैं मीन्स आपको एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना होगा तभी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं वेल well गाइज अगर आप देखेंगे तो आपको कितने सारे करेंसी पेयर मिल जाएंगे अब जब आप इन करेंसी पेयर को देख रहे हैं गाइज तो एक चीज आपने कॉमन देखी होगी दैट मीनस कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि

अलग-अलग आपको ऐसे पेयर मिल जाएंगे और आपको सिलेक्ट करना होता है कि किस कि बेसिस में आप इसमें ट्रेड लेंगे ओके तो ये तो हो गई कि, कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं लॉट क्या होता है इसके साथ इसमें पिप सिस्टम चलता है और किस तरीके से आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं अब गाइस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि हमें समझना होगा दैट इज गाइस कि जब आप फॉरेक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे तो आपको एक स्लो मूव देखने को मिलेगा दैट मीन्स कि जिस तरीके से इंडियन रुपीस में आप 100 पॉइंट या 200 पॉइंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में इतना नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट में जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है दैट मीन्स टेन पिप ट्वेंटी पिप्स वो भी पॉइंट के बेसिस में होती है वेल well, वेल्थ ये इसीलिए भी है क्योंकि कंट्री की करेंसी इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुलेट नहीं होती उनकी वैल्यू थोड़ी बहुत ही कम ज़्यादा होती है राइट और इसी तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती है अब मोस्टली लोग सोच रहे होंगे कि मैम जब इसमें इतनी स्लो मूव होती है तो हम क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग करें क्योंकि गाइस फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी अपने अलग ही एडवांटेज हैं दैट मींस कि गाइस फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको अप टू हंड्रेड परसेंट लेवरेज मिलता है येस yes गाइस इसमें आपको काफ़ी हाई लेवरेज मिल जाता है जिसके थ्रू आप कम क्वांटिटी के साथ भी इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं राइट तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छा है कि आपको यहाँ पर हाई लेवरेज मिलता है सेकेंड थिंग है गाइस कि जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो ट्वेंटी फोर सेवन आवर्स ओपन होता है येस गाइस ये ट्वेंटी फोर सेवन आवर ओपन होता है तो आप इसमें कभी भी ट्रेड ले सकते हैं मतलब सुबह शाम को रात में दोपहर में कभी भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं ओके थर्ड थिंग है गाइस कि इसमें जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी कम होता है मूव जो होता है वो थोड़ा स्लो उसमें चलता है तो इसमें आपको हाई वॉलेटिलिटी का वो नहीं करना होगा आप सिंपली इसमें ट्रेड ले सकते हैं अब गाइस ये मत सोचिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको अप टू हंड्रेड परसेंट लेवरेज मिल रहा है तो आप कल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए वो भी हैवी क्वांटिटी के साथ नो no गाइज हमेशा जब भी आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करें जरूरी नहीं है guys, वो फॉरेक्स मार्केट ही हो आप अगर इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करना है इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप उसके बारे में प्रॉपर सही नॉलेज लें नॉलेज लेने के बाद आप सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग करें और जब डेमो ट्रेडिंग में आप धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करने लगे लगेगा तब जाके आप एक लाइव uh, मार्केट में ट्रेडिंग करें वेल गाइज डेमो ट्रेडिंग के लिए आप ऑक्टा एफेक्ट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं गाइज इसमें आप सिंपली डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं क्योंकि गाइज ऑक्टा एफेक्ट्स में आपको यहाँ पर देखिए एजुकेशन और एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे देखिए आप वेबिनार्स देख सकते हैं वीडियोज़ देख सकते हैं कोर्सेज देख सकते हैं आर्टिकल्स देख सकते हैं टूटोरियल्स देख सकते हैं सभी चीज़ें देख सकते हैं गाइज़ वो भी बहुत ही सिंपल वे में और अपनी जो फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है नॉलेज है उसे इन्हेंस कर सकते हैं

ओके इसे देखिए जब यहां पर आप जाएंगे एफ ट्रेडिंग में देखिए आपको यहां पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको कोई भी यहाँ कमीशन पे नहीं करना पड़ता तो, कोई हिडन चार्जेस नहीं है बहुत ही सिंपल तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट मैथड मिल जाती है देखिए आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं इंडिया के लोकल बैंक के थ्रू कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और यहाँ देखिए सभी चीजें आपको एप्सल्यूटली फ्री हैं वेल वेलकाइज आई रिकमेंड यू टू डिपॉजिट अप्रोक्सिमेटली थ्री थाउजेंड जिसके थ्रू आप इजिल फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके साथ साथ गए जो ऑक्टा एफ है वो आपको एंड्रॉइड आईओ एस इजिली अवेलेबल हो जाएगा डेस्कटॉप वर्जन में भी वेब प्लेटफॉर्म में भी जिसके थ्रू तो आप सिंपली

सिस्टम चलता है राइट इसमें पिप्स के बेसिस में हम मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आपको अपटू हंड्रेड परसेंट लेवरेज मिलता है फॉरेक्स मार्केट आवर ओपन होता है इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में गाइस जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है तो आपको कभी भी आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालाइज के साथ कीजिए समझिए राइट क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है इन्हीं सभी चीज़ों पर फोकस कीजिए जब आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएं डेमो ट्रेडिंग में आपको लगने लगे कि येस मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ तभी जाके आप लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिएगा तो गाइज यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइज तो प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी सही तरीके से फॉरेक्स मार्केट को समझ सके और ट्रेड ले सके एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस. सो थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग इन ट्रेडिंग ओके